हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज हम चलेंगे भूटान के शहर पे और इस वीडियो में जानेंगे भूटान से रिलेटेड ऐसे काफी सारे फैक्ट्स जो आज से पहले आपने कहीं नहीं सुना होगा। गाइस, वैसे यूट्यूब पे तो वीडियोस की भरमार है और भूटान से रिलेटेड आपने काफी सारे फैक्ट्स देखे होंगे और सुने होंगे, लेकिन आज मेरे वीडियो के थ्रू जो आपको देखने को मिलेगा शायद आज से पहले आपने किसी और वीडियो में नहीं देखा होगा। तो बिना आपका समय गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे होने की वजह से ये देश भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंस रखता है और भूटान की विदेश नीति, रक्षा नीति और इकोनॉमिक पर भारत काफी प्रभावशाली रहा है। भूटान ही वह पहला देश है जहां मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन को सबसे पहले वैक्सीनेशन के लिए भेजा गया था ताकि वहाँ की जनता की जानें बचाई जा सके। और आज हम उसी भूटान के बारे में जानेंगे ऐसे कई सारे फैक्ट्स जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, भूटान एक पहाड़ी देश है और इस वजह से वहाँ की सड़कें काफी टेढ़ी मेढ़ी है, जहाँ पे ड्राइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद भी भूटान ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे एक भी ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। है ना कितनी अजीब बात। भूटान कभी भी जीडीपी और आर्थिक वृद्धि को विकास नहीं मानता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भूटान में विकास इस बात पर निर्भर करता है कि देश की जनता कितनी खुश और सुखी है। इस बात पर निर्भर करता है कि देश में सांस्कृतिक मूल्यों, सुशासन, स्वास्थ्य एवं वातावरण के विकास में सरकार कितना काम कर रही है। ये फैक्ट भूटान की तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक पॉजिटिव मैसेज हो सकता है अपने वातावरण संरक्षण के लिए। आप चाहे किसी भी देश में चले जाएं, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको वहां क्राइम मिलना ही मिलना है। लेकिन भूटान एक ऐसा देश है जहां क्राइम बिल्कुल जीरो है, क्राइम रेट काफी कम है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि देश की जो मैक्सिमम आबादी है वो बुद्धिज्म को मानती है और बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजन है जो शांति और सद्भावना सिखाता है। भूटान के बारे में ये फैक्ट दर्शाता है कि भूटान के लोग जानवरों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। जी हाँ, भूटान में किसी भी तरह की जीव हत्या अलाउ नहीं है, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो। और ये लॉ भी उनके ट्रेडिशनल वैल्यूज से ही आता है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है और किसी भी जीव हत्या को वो गलत मानता है। हालांकि इसके बाद भी भूटान में मीट खाने वालों की संख्या काफी ज्यादा है और मीट का कंजप्शन बहुत बड़ी मात्रा में होता है और इनके लिए मीट बाहर से इंपोर्ट कराया जाता है। लेकिन एक ताजा खबर के अनुसार सरकार यहाँ इसके कंजप्शन पे रोक लगाने की सोच रही है। भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है, यानी जितना यहाँ कार्बन या पोल्यूशन बनता है उससे कहीं गुना ज्यादा यहाँ वातावरण में मौजूद पेड़ पौधों के द्वारा अपने अंदर अवशोषित कर लिया जाता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। गंगाधर पुनसुम भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और अब तक इस पर कोई भी चढ़ नहीं पाया है। इसकी ऊंचाई लगभग 7,570 मीटर है। भूटान ने 1987 में पहाड़ों पर चढ़ाई को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। हालांकि इससे पहले काफी प्रयास किए गए इस पर चढ़ने के, लेकिन वो सारे प्रयास नाकामयाब रहे। फ्रेंड्स, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भूटान में मर्दों के मुकाबले औरतों की ज्यादा चलती है। घर व्यवसाय से लेकर खेती तक सारा काम औरतों के ही जिम्मे होता है। यहाँ संपत्ति औरतों को ही विरासत में मिलती है, सेम उसी तरह जैसे हमारे देश में मर्दों को। एक आदमी शादी के बाद अपने पत्नी के घर चला जाता है ना बड़ी अजीब बात। और ऐसा लगता है कि भूटान में वुमेन एम्प्लॉयमेंट जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है। गंदी राजनीति और भ्रष्टाचार की इस दुनिया में जहां लोग शीर्ष पर रहने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं या किसी को भी नीचा दिखाने को तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ भूटान के राजा सिंगमे वांगचुक द्वारा 2005 में संविधान की स्थापना करा के और चुनाव करवा के भूटान को एक संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित करना सिर्फ इसी सोच के साथ कि हो सकता है कि भविष्य में भूटान को अच्छा राजा ना मिले, एक ऐसा राजा मिले जो अराजकता फैलाए या लोगों को प्रताड़ित करे या उन्हें परेशान करे, ये इस बात को दर्शाता है कि वहाँ के राजा कितने अच्छे हैं और वो देश के और अपने लोगों के बारे में कितना सोचते हैं। भूटान के बारे में एक फैक्ट जो आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि भूटान के राजा को उनके हम्बल पर्सनालिटी और ह्यूमन वेलफेयर के लिए किए गए प्रयासों के लिए जाना जाता है।
उन्हें पीपल्स किंग कहा जाता है, यानी वो व्यक्ति जो जनता का राजा हो। इन्होंने अपने देश के लगभग हर एक व्यक्ति से मुलाकात की है। वे लोगों से उनकी जरूरतों के लिए व्यक्तिगत तौर पर बात करना पसंद करते हैं। वाकई ये है ना बहुत अजीब बात कि एक देश का राजा अपने लोगों से इस तरह से जुड़ा हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में कुछ अनसुने फैक्ट्स के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।